नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो समय हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। खबर गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील थाना जंगहा के राघवपट्टी पटरी के टोला फैलाहा से है, जहां सैनिक धनंजय यादव की मौत के बाद उसे शहीद का दर्जा दिलाने की मांग में दंगा कराने की साजिश रचने की बात सामने आई है, जिसका खुलासा एआईयू की रिपोर्ट से हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग से उपद्रवियों की पहचान कर पुलिस ने 56 लोगों को चिन्हित किया है। इसके बाद उन्हीं 56 लोगों और लगभग 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, जबकि फौजी की मौत के बाद हंगामे में लेकर समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगने लगे हैं, जिसको लेकर गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की माने तो ये आरोप बेबुनियाद है और समाजवादी पार्टी का नाम खराब करने की ये पूरी साजिश रची जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का कोई हाथ नहीं है, ना ही उन्हें इस मामले से कोई लेना देना है। तो आपको बता दें कि बीते 2-3 दिनों से लगातार ऐसा मामला सामने आ रहा है कि चौरी चौरा में एक सैनिक को शहीदी का दर्जा देने के लिए लगातार लोगों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं ऐसी खबर भी सामने आई थी कि ग्रामीणों ने ट्रेन को रोककर ये प्रदर्शन किया था, साथ ही शहीद को, जो सैनिक शहीद हुआ था, उसे शहीद सैनिक का दर्जा देने की मांग उठाई थी। आपको बताते चले कि बीते 2-3 दिन पहले ही सैनिक का शरीर, पार्थिव शरीर जो है वो इनके पैतृक आवास पहुंचा था, जिसके बाद से ही ग्रामीणों ने लगातार ये मांग की थी कि जो सैनिक है उन्हें शहीद सैनिक का दर्जा दिया जाए। जबकि जब सैनिक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा, उस दौरान उनके बटालियन का कोई भी अन्य सैनिक उनका पार्थिव शरीर लेकर वहां नहीं पहुंचा, जबकि सेना द्वारा परिजनों को ये मामला फोन करके सूचित किया गया कि उनके बेटे को, जो उनका बेटा है जो अभी शहीद हुआ है, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके कारणों का कहीं भी खुलासा नहीं किया गया कि आखिर सैनिक को शहीदी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से ही ग्रामीणों में लगातार रोष देखने को मिल रहा है और ये रोष इतना बढ़ गया कि लोगों ने लगातार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर रेलवे की सेवाओं को भी बाधित किया। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह लोगों का भारी हुजूम पूरे गांव में प्रदर्शन कर रहा है और सैनिक को शहीद सैनिक देने की मांग उठा रहा है। वह इस पूरे मामले के बाद अब पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड पर नजर आया है और पुलिस प्रशासन ने करीब 56 लोगों समेत 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है, जो एआईयू की रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस पूरे मामले को लेकर दंगा करना चाह रहे थे। तो वही अब इस मसले को लेकर गोरखपुर से जो सपा के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का कोई हाथ नहीं है, ना ही उन्हें इस मसले से लेना देना है। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा था, लगातार इस मामले में हंगामे की खबरें सामने आ रही थी, जबकि जिस दिन सैनिक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा, उसी दिन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि आखिर उनके बेटे को शहीदी की उपाधि क्यों नहीं दी जाएगी, और यही वजह है कि लगातार इस मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। वही अगर सैनिक की बात करें तो जब सैनिक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा, तो उस दौरान उनके बटालियन से उनका पार्थिव शरीर पैतृक आवास लेकर कोई भी सेना का जवान या अफसर नहीं पहुंचा था, जबकि परिजनों को फोन पर यह सूचित किया गया कि उनके पुत्र को शहीदी की उपाधि नहीं दी जाएगी। और जैसे ही ये मामला लोगों के सामने आया, जैसे ही इस मसले का खुलासा लोगों के सामने हुआ, तत्काल लोगों ने इस मामले पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब इस मसले को लेकर सपा का नाम सामने आ रहा है। जी, 25 तारीख को यह घटना हुई थी, जब शहीद
का दर्जा दिलाने के लिए सैनिकों जी ग्रामीण उतर गए थे। ऐसे में LIU की एक रिपोर्ट आती है और चौंकाने वाला खुलासा होता है कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण कर रहे थे उसी जी दिन एक साजिश की गई थी कि किसी तरह से उपद्रव फैलाया जाए। और ऐसे जी में सपा के बड़े कई नेता का नाम आया है जी जिन्होंने साजिश में सम्मिलित थे। ऐसे में पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य के पति मनोरंजन यादव का भी नाम आता है। और ऐसे में SSP का सीधे कहना है कि इन सब के खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसमें 6 केस जो है जी मुकदमे चौरी चौरा थाने में दर्ज हैं और एक मुकदमा RPF की तरफ से दर्ज है। और ऐसे में जी बता दें कि सभी के खिलाफ जो है गिरफ्तारियां की जा रही है। 14 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं और सबको जो है चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन उपद्रव इसमें शामिल थे। और 3 लोगों के जी खिलाफ 25-25 हज़ार रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। और DM गोरखपुर जिलाधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया है कि इन सभी उपद्रवियों की कुर्की को की संपत्ति को कुर्की करने का कार्य किया जाएगा। लेकिन हिमांशु, अगर हम सपा के जो जिलाध्यक्ष है उनकी बात सुने तो वो इस मामले को लेकर बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि उनका या उनकी पार्टी का इस मामले में कोई भी हाथ नहीं है, ना ही उनका इससे कोई लेना देना है। जी, सपा के जिला अध्यक्ष का साफ कहना है कि उनका उनकी पार्टी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। अन्य लोग जी भी आए थे, संपत्ति के लिए आए थे और वहां खड़े हुए थे, उसमें कुछ युवाओं ने जो है पथराव किया। लेकिन ऐसे जी में बता दे कि पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है वीडियो में, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई जी हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, रेलवे ट्रैक को जाम किया गया है, रोकने की कोशिश की है, कई SO जो है चोटिल हुए, इंस्पेक्टर चोटिल हुए हैं, यहाँ तक कि DM को भी भाग करके जी अपनी जान बचानी पड़ी है। हिमांशु, अगर देखा जाए तो ये मसला पूरा यहीं से शुरू हुआ था कि जब सैनिक का उनका उनका पार्थिव शरीर पैतृक आवास पहुंचा तो ये कहा गया कि उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो आखिर अभी तक इस मसले की वजह सामने आई कि उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। देखिए, सेना का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, जी इसमें सुसाइड करने वाले को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, ना जी ही बिल्कुल सेना उनके किसी भी अंत्येष्टि में आती है। और ऐसे में बता दें कि यहाँ पे प्रशासन जरूर ऐसी व्यवस्था किया हुआ था कि उनको सम्मान दिया जाए, चूंकि सेना में वो रहे हैं। लेकिन वहां से उनके चाचा से, उनके परिजन से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां से सेना के लोग मरने की वजह नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि सुसाइड किया है। और ऐसे में जब उनके शव को लेकर के आ रहे थे तो रास्ते से ही वो लोग पीछे हो गए और बोले कि हम कभी प्लेन से आएंगे, तो कभी बताया कि हम ट्रेन से आएंगे, लेकिन कोई भी यहाँ आया नहीं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जनता उग्र हो गई। और एक चीज और, उनके परिजन का कहना था कि हम लोग तो लेके आ गए थे, अंत्येष्टि के लिए तैयारी भी कर रहे थे, प्रशासन से बात भी चल रही थी, जिलाधिकारी SSP से बात चल रही थी, लेकिन हजारों की संख्या में तादाद में जी लोग वहां पे इकट्ठा हुए उनके आवास से और शव को उठा करके ले जाकर के भोपा चौराहे पे जाम किया और प्रदर्शन किया और पत्थरबाजी किया। हिमांशु, अगर सेना के प्रोटोकॉल की बात करें तो जब भी किसी सैनिक का जब पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचता है तो बटालियन का कोई ना कोई सैनिक नहीं तो कोई ना कोई अधिकारी जरूर पहुंचता है। तो आखिर इस मसले पर बाकी सैनिक कहाँ रहे उनके बटालियन के? आखिर क्या वजह रही कि वो नहीं पहुंचे उनके पैतृक आवास उनका पार्थिव शरीर लेके? इसी बात को संज्ञान में लेते हुए उनके परिजन जो है संदेह कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थिति जो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी फोन करके उन्होंने बताया था कि हाँ अभी मिल नहीं रहा है और गुमशुदा हो गया है और इसका पता नहीं चल रहा है। और कुछ ही देर बाद उन्होंने फोन करके बताया कि हाँ वो उसका जो है मौत हो चुकी है, उसने सुसाइड कर लिया है। और उसके शव को लाने के साथ ही जैसे ही उनके परिजन को पता चला, अनंतपुरम में गया, वहां पोस्टमार्टम किया गया और जांच किया जा रहा है, वहां के पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और सेना के अधिकारी इसकी जांच भी कर रहे हैं, पुलिस भी जांच कर रही है सिक्किम की। लेकिन ऐसे में देखा जा सकता है कि वहां से सेना का कोई भी जवान और अफसर नहीं आया। हालांकि उनके परिजन, उनके चाचा का कहना था कि हम खुद शव लेने गए थे और जब हम आ रहे थे तो रास्ते में जिप्सी से बोले थे कि हम चल रहे हैं, लेकिन फिर रास्ते से ही जिप्सी गायब हो गई करीब 2-4 किलोमीटर के बाद से। और उसके बाद हम लोग फोन करते रहे और वो कहते रहे उनके CO की हम आ रहे हैं, हम फ्लाइट से आएंगे, हम ट्रेन से आएंगे, लेकिन कोई भी अधिकारी आया नहीं। क्या शहीद होने का ये सम्मान है? लेकिन अगर बात करें सेना की तो सेना का साफ कहना है, अधिकारियों का साफ कहना है, यहाँ के SPCT का भी जी कहना है कि उन्होंने सुसाइड किया था। ऐसे में कोई भी प्रोटोकॉल उनके ऊपर लागू नहीं होता है। हिमांशु, अगर बात की जाए तो ये मामला जब प्रदर्शन चालू हुआ तो प्रदर्शन काफी उग्र स्तर पर चालू हुआ था, तो इस मसले में जो सरकारी संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचा होगा। और अगर बात करी जाए तो जब भी कोई ऐसा मसला होता है तो योगी आदित्यनाथ ये ऑर्डर जरूर देते हैं कि सरकारी संपत्ति को जिसने भी नुकसान पहुंचाया है वही इस संपत्ति की भरपाई करेंगे। तो अभी तक इस मामले में क्या कुछ ऐसा एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस की जीप तोड़ी गई है, कई जी SO चोटिल हुए हैं,
कई सीओ कई अधिकारी चोटिल हुए हैं, एसपी सिटी को भी चोट आई थी, यहाँ के डीएम को भी भागना पड़ा था। ऐसे में कई ड्राइवर ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, उनके चेहरे फट गए हैं, सर फट गए हैं, पैर फट गए किसी के। तो ऐसे में डीएम का साफ कहना है जिलाधिकारी का कि जितने भी उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है, उनकी शिनाख्त करने के बाद उनके खिलाफ जो है कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति को जब्त करके राजस्व वसूला जाएगा कि जितना भी नुकसान हुआ है, जिस तरह की उपद्रव कर रहे हैं वो, और इस पे 7 CLA भी लगाया गया है और रासुका का भी कार्रवाई किया गया है। हिमांशु, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अभी वहां का माहौल कैसा है? देखिए फिलहाल तो वहां पे सेना लगी हुई है, गांव में कोई भी पुरुष नहीं है और सब वहां से कोई भी युवा नहीं है, सब वहां से गांव छोड़ के फरार हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, खोज रही है। ऐसे में भय का माहौल बहुत व्याप्त है। हम कल गए हुए थे गांव पे, ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्टिंग भी की और उनका साफ कहना है कि हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, मान लीजिए तिरही का हमारा भोज होगा और जो भी कार्यक्रम है मृत्यु उपरांत हमारे, लेकिन उसमें कोई भी गांव का लोग सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, लोग डर रहे हैं। और आप आए हैं तो दो चार लोग इधर हिम्मत करके आ रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं थे तो कोई भी यहां पे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यानी वहां के लोगों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है अभी भी? जी, स्पष्ट रूप से वहां के लोगों में भय का माहौल है, व्याप्त है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है और धरपकड़ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। तो आपको बताते चले कि ये खबर पूरी हम आपको गोरखपुर से बता रहे थे, जहां पर एक जो सैनिक है उसका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा, जिसके बाद से ही लगातार वहां पे हंगामे हो रहे थे। वही अब इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि इन सब पूरे मसलों के पीछे सपा का एक एजेंडा था कि वो योगी के शपथ ग्रहण वाले दिन इस मामले को और उग्र करे और यहाँ पर हिंसा हो। लेकिन वही इस पूरे मसले पर गोरखपुर के अगर सपा से जिलाध्यक्ष की बात करें तो वो इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि इस पूरे मसले से सपा का कोई भी लेना देना नहीं है। आज फिर जनता को महंगाई का झटका लगा है। आज 9वें दिन भी देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 8वीं बार वृद्धि की गई। पिछले 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। बुधवार यानी कि आज देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की वृद्धि की गई है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़त के बाद 101.01 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं और डीजल के दामों में भी 80 पैसे की बढ़त के बाद 92.27 रुपए प्रति लीटर पर डीजल के भी दाम आ गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार कुछ दिनों से, लगातार बीते दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये बढ़ते हुए दाम अब जनता पर महंगाई की मार बनकर पड़े हैं और लगातार बढ़ते दामों की वजह से जो मध्यम वर्गीय हैं उनके जेबों पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 9 दिनों में यह 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। पूरे देश में इस वक्त महंगाई से हाहाकार मची हुई है। लोग लगातार कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में जिस तरह से वृद्धि की जा रही है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो लोगों को साइकिल से चलना पड़ेगा। और लगातार लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वो पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट करे, जबकि कई जगह ऐसी भी है जहां पेट्रोल की कीमतें 110 रुपए के भी पार पहुंच चुकी है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है। यही वजह रही कि 9वें दिन में भी 8वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए और लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो नहीं रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार अगर महंगाई इसी स्तर से बढ़ती रहेगी तो आखिर वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो लोगों में साफ साफ परेशानियां देखी जा सकती है, किस तरह से लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से परेशान हो चुके हैं। वही अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़त के साथ 100 का आंकड़ा यानी कि शतक का आंकड़ा पार करते हुए 101.21 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं। जबकि अगर वही हम डीजल की बात करें तो डीजल के दामों में भी 80 पैसे की बढ़त होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 92.27 रुपए प्रति लीटर पर आ चुकी है।
लगातार जनता की जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल और डीजलों के जिस तरह से दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरह से लोगों की परेशानियां भी अब बढ़ती जा रही हैं और लगातार लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर इसी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे तो वो साइकिल से चलने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं आपको अगर हम बताएं तो 9वें दिन में लगातार 8वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। 80 पैसे की बढ़त एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई है। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से लोगों की जेब पर भी असर देखने को मिल रहा है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं कि अगर सरकार ने इस मसले पर कुछ नहीं किया तो वो साइकिल से चलने को मजबूर हो जाएंगे। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब मध्यम वर्गीय लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाए। लोगों का ये कहना है कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कोरोना ने भी उनकी कमर तोड़ के रख दी थी और अगर अब ऐसे पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होगा तो आखिर वो अपने घर खर्च कैसे चलाएंगे, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। जहां एक तरफ लोगों का ये कहना है कि कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी है, तो वहीं अब महंगाई लोगों के लिए परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, गोरखपुर में आज पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है? आज बता दें कि गोरखपुर में भी पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है और इसके साथ ही पेट्रोल जो है 101 रुपए के आसपास हो गया है और डेली के डेली ये बढ़ोतरी से जनता एकदम त्रस्त है, उनके जेब पे बहुत असर पड़ रहा है, उनका बजट भी पूरी। ऐसे में बता दें कि विपक्ष भी इसमें हंगामा कर रहा है और मांग कर रहा है कि पेट्रोल के दामों पे किसी तरह से अंकुश लगाया जाए, उस पर नियंत्रण पाया जाए, लेकिन किसी तरह से भी सरकार नियंत्रण पाने में एकदम असहज है और पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, नियमित बढ़ रहे हैं, 9वीं बार बढ़ चुके हैं। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय का भी कहना है कि हम किस तरह से कंट्रोल करें, क्योंकि पेट्रोलियम विभाग जो है जितने भी हैं पेट्रोलियम वो अपने आप को घाटे में बता रहे हैं और यूक्रेन और रशिया के युद्ध का भी इस पे असर पड़ रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो जनता का ये कह रहा है कि जहां एक तरफ कोरोना ने पहले ही उनकी कमर तोड़ दी है तो अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जी, कोरोना के काल में पैनेमिक स्थिति रही है, लोगों के रोजगार छूटे हैं, आमदनी के स्रोत भी कम हो गए हैं और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि जो है लोगों को खासा परेशान कर रही है, उनकी जेब ढीली कर रही है और साथ ही साथ जो रसोई गैस भी इसके साथ ही महंगी हो चुकी है, तो लोग बहुत त्रस्त हैं। जहां भाजपा उनका कहना है साफ, हिमांशु अगर बात करी जाए तो चुनाव जीतने के पहले भाजपा सरकार कह रही थी कि महंगाई पर अंकुश लगाएगा, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में तमाम तरह के वादे किए थे, लेकिन अब वो वादे पूरे नजर नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आक्रोश है, यहाँ की जनता भी आक्रोशित है। गोरखपुर में बात करें कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से ही है और ऐसे में हम बता दें कि जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद से ही पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होना लोगों को खासा परेशान कर रहा है, इसमें लोगों की जेब पे उनके बजट पे असर पड़ रहा है और लोगों का साफ कहना है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हमको साइकिल से चलना पड़ेगा और सरकार को इस पे कहीं ना कहीं कोई कदम उठाना चाहिए और सख्ती से इसे कम करना चाहिए। हिमांशु बात करी जाए अगर सरकार की तो सरकार लगातार ये बोल के पल्ला झाड़ रही है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जी, आपकी आवाज आ रही है। हिमांशु, लगातार सरकार ये कह के अपना पल्ला झाड़ रही है कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आखिर इसमें जनता क्या करे? स्पष्ट है कि हिमांशु, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बताएं। हिमांशु अगर बात की सवाल दोहराएंगे जी, हिमांशु अगर बात की जाए तो सरकार अपना ये बोल के पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है ये रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से हो रहा है।
जी बिल्कुल, सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। उनका साफ कहना है कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध की वजह से ऐसी स्थिति हो रही है कि पेट्रोल के दामों में रोजाना कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है और कच्चे तेल के आयात जो है वो कम हो चुका है। इस वजह से सभी देशों में ऐसा है, तो इंडिया के साथ भी ऐसा चल रहा है। पेट्रोल के साथ साथ ही जो गैस सिलेंडर्स की भी कीमत है उनमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो इस पे लोगों का क्या कुछ राय निकल के सामने आ रही है, लोगों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी आपको बता दें कि गैस सिलेंडर में भी काफी वृद्धि किया गया है, 1000 के पार हो चुका है गैस सिलेंडर। ऐसे में लोग परेशान हैं, उनका साफ कहना है कि किस तरीके से हम अपने बजट को चलाएं, किस तरह से घर चलाएं, गृहस्थी चलाएं, क्योंकि हर आदमी का एक घर चलाने का खर्च होता है, एक बजट होता है, और सीधी सी बात है कि जो भी कमाने वाला व्यक्ति है उसके जेब पे सीधा असर पड़ रहा है, उसके बजट पे असर पड़ रहा है और परिवार की स्थिति इस समय सबके बिगड़ रही है। अब हम चलते हैं रायबरेली से, हमारे संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। अजय, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में 9वें दिन भी लगातार बढ़ोतरी की गई है, तो लोगों में कितना आक्रोश देखने को मिल रहा है? लोगों में यहाँ पे बहुत ज्यादा आक्रोश है। आपको बताते चले कि लोग का यह कहना है कि योगी सरकार जो है लगातार महंगाई जो रुकने का नाम ले रही है योगी सरकार में, और कहीं कहीं देखा जाए तो सिलेंडर जो है 1000 पार हो चुका है, वही डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, 100 के पार हो चुका है पेट्रोल, और रसोई में पूरी तरह से आग जैसी लगी हुई है। रिफाइंड तेल जहां बात की जाए 150 रुपए लीटर हो चुका है, और कड़वा तेल की बात की जाए तो 200 रुपए लीटर हो चुका है, पार हो गया उससे। आज अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजल के दामों की, तो लगातार आप लोगों के बीच जाकर लोगों की परेशानियों को समझ रहे हैं, तो वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, वो सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? उनका ये कहना है, आप जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का पता चलता है कि जो कहने का इनका मतलब ये है कि जो है सरकार बनने तक ये सब कुछ नहीं था, सरकार बनने के बाद भी ऐसा निर्णय क्यों लिया गया है, महंगाई बढ़ाई गई है, ये इंतजार कर रहे थे और ऐसा ही रहा तो आगे चल के लोगों को साइकिल का सहारा ही लेना पड़ेगा। हिमांशु, लगातार अगर बात की जाए तो लोगों का ये भी कहना आ रहा है कि अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो वो साइकिल से चलने लगेंगे। जी स्पष्ट है, कल हमने बात भी की थी, जनता की राय ली थी, लेकिन उन्होंने उनका साफ कहना था कि इसी तरह से अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हमको पैदल चलना पड़ेगा। ऐसे में बता दे कि जितने भी ऑटो और बस चलते हैं उनका भी हालत बहुत खराब है, उनका कहना है कि यात्री महंगे दामों की वजह से बैठ नहीं रहे हैं और हम लोग को भी आर्थिक समस्या हो रही है, अर्थव्यवस्था हम लोग की भी चौपट हो रही है घर की, हम लोग कैसे खर्च चलाएं, कैसे हम आप मेरी रोजी रोटी क्या पूरे कह सकते हैं कि रोजी रोटी पे पूरी तरह से उनके ताला लग रहा है। हिमांशु, अगर बात की जाए तो महंगाई की सबसे ज्यादा मार्ग मध्यम वर्गीय लोगों पर पड़ती है। जी मध्यम वर्गीय परिवार का ऐसा है कि सीधी सी बात है कि उनको कमाना है, उनका एक बजट होता है कि हर महीने का कि इतना ही खर्च करना है। अगर बात करें तो आम आदमी 20,000 25,000 30,000 और 10,000 की सैलरी पाने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है कि उसके ऊपर तो पूरी तरह से उसके जेब पे असर पड़ता है कि क्योंकि उसको डेली ही बाइक से चलना है, कार से चलना है, तो ऐसे में मध्यम वर्गीय व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और उसका जो पारिवारिक बजट होता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। जी अब हम रायबरेली चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता अजय प्रताप हैं। तो अजय प्रताप, जब भाजपा सरकार जीतने से पहले लगातार ये वादे कर रही थी कि वो महंगाई पर अंकुश लगाएगी, वो पेट्रोल डीजल के दामों पर अंकुश लगाएगी, तो आखिर अब उनके वादे कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जो उनके वादे हैं झूठे साबित होते जा रहे हैं और लगातार महंगाई जो बढ़ती जा रही है, आप पता चले जो है ऐसे मजदूर मजदूरी जो हम करने वाले लोग हैं उनके यहाँ व्यक्तियों की रसोई से चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है, और आप बता दें कि उनकी थाली जो है खिसक रही है, गायब नजर आ रही है, क्योंकि जो सब्जियां हैं गैस सिलेंडर है, अगर गैस सिलेंडर से वो इतना महंगा होता चला जा रहा है उस कैसे जो व्यक्ति हैं कैसे कमा खा पाएंगे महंगाई में, इस तरह महंगाई से वो लोग अगर बाजार भी जाएंगे तो किस तरह जाएंगे, काम पे जाएंगे तो किस तरह जाएंगे, अगर लेट हो जाते हैं काम से, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, अगर वो जाएंगे लेट हो जाएंगे सवारी से जाएंगे या फिर दूसरा साइकिल से जाएंगे, तो इसमें लोगों का यही कहना है यही मानना है कि आगे चल के उन्हें साइकिल का ही सहारा लेना पड़ेगा इतनी महंगाई होने के बावजूद। हिमांशु, अगर बात करी जाए तो जब भी महंगाई की मार पड़ती है तो वो मध्यम वर्गीय परिवार पर सबसे ज्यादा पड़ती है, सबसे ज्यादा असर उन पर देखने को मिलता है, जबकि सरकार जो है वो गरीब तबके के लिए तो योजना ले आती है, लेकिन इन सब में मध्यम वर्गीय कहां जाए? देखिए ऐसे में हम आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय
अपना पल्ला झाड़ रहा है, सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, उनका कहना है यूक्रेन मुद्दा है, और पेट्रोलियम कंपनियां जितनी हैं उनका कहना है कि हम घाटे में जा रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करना हमारी मजबूरी है। और यही चीज पेट्रोलियम मंत्रालय भी कहता है कि हमारी ये मजबूरी है कि हम पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसका सीधा असर आम आदमी के जेब पे पड़ा है, क्योंकि मध्यम वर्गीय व्यक्ति की एक सीमित आय होती है, उसका सीमित आय में ही उसको घर चलाना होता है, उसका गृहस्थी का पूरा इंतजाम उसको करना होता है, लेकिन जब पेट्रोल दाम और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसकी जेब पे सीधा असर पड़ता है, उसके घर के बजट पे सीधा असर पड़ता है, क्योंकि कोई योजना सरकार के द्वारा उसके लिए होती नहीं है, उसे खुद अपने पैसे से अपना घर चलाना होता है और अपने ऑफिस के लिए तेल भरवाता है, परिवार कहीं ले जाना उसके लिए तेल भरवाना है, लेकिन सीधा असर उसके जेब पे पड़ता है। हिमांशु, अगर बात की जाए कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है, अभी आपने कहा कि जो पेट्रोलियम विभाग है वो अपना पल्ला झाड़ रहा है, जो सरकार है वो अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन मध्यम वर्गीय क्या करे आखिर, उन्हें तो उतने में ही गुजर बसर करना है। जी बिल्कुल, सीधी सी बात है कि मध्यम वर्गीय परिवार को अपने बजट में ही काम करना है, और उनका सीमित बजट होता है कि इतने पैसे में हमको अपना घर का बजट चलाना है, इतने पैसा हमें सेविंग करनी है, और इतने से हमें पेट्रोल और अन्य चीजों का इस्तेमाल करना है। ऐसे में पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से, डीजल के दाम बढ़ जाने से उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास आमदनी बहुत सीमित होती है, बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, और सरकार की कोई योजनाएं नहीं होती है, सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है इस मामले में, क्योंकि महंगाई पे सरकार को कहीं भी देखें तो पूरी तरह से फेल है, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो, चाहे वो पेट्रोल का मामला हो या डीजल का मामला हो, हर जगह महंगाई बढ़ रही है और सरकार फेल हो रही है। लेना चाहूंगी कि लगातार जो है सरकार कह रही है कि हमने हर वर्ग के लिए योजनाएं लाई है, तो आखिर जब महंगाई की मार पड़ती है तो वो मध्यम वर्ग पे ही क्यों पड़े। सीधी सी बात है कि सरकार का कहना है हर वर्ग के लिए, लेकिन आपको तो सीधी सी बात देखने को मिलता है, अगर कागजी तौर पे देखा जाए, जमीन पे स्पष्ट रूप से देखा जाए, भौगोलिक स्थिति से, तो किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई भी योजना पूरी तरह से नहीं लाई जाती है, ना ही उसको किसी सरकारी सुविधा का लाभ मिलता है, उसे एकदम अलग रखा जाता है, सारी योजनाएं गरीब वर्ग के लिए होती है, निचले वर्ग के लिए होती है, जिनके आय का होता है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार जिसको अपना भरण पोषण खुद करना है, कमाना है, खाना है, ये और आज इंडिया की स्थिति ये है कि एक आदमी कमाता है तो उस पर चार आदमी आश्रित होते हैं, तो ऐसे में सीधी सी बात है कि उसके ऊपर असर पड़ता है, उसके कंधे पे पूरा बोझ पड़ता है कि परिवार को कैसे चलाए, क्योंकि सरकार इसमें पूरी तरह से फेल हो जाती है, कोई उसके लिए योजनाएं नहीं लाती है, और पूरी तरह से मध्यम वर्गीय व्यक्ति दब जाता है। अजय, सेम प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगी कि आखिर जब महंगाई की मार पड़ती है तो सरकार तो ये कह देती है कि हम योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन वो सारी योजनाएं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्यों नहीं लागू होती। अजय, मध्यम परिवार के लोग क्या है कि जो है आगे चल के जो उनके पास समस्याएं होती है वो मध्यम परिवार के ऊपर ही आती है, क्योंकि जो यहाँ बात की जाए पेट्रोल की, तो अगर टंकियों को पता किया जाए तो उनके जो मालिक होते हैं वो उनका कहना होता है कि इसे मेरा घाटा हो रहा है, इसलिए हमारा इसमें कोई वो नहीं है, वो भी पल्ला झाड़ रहे। और यहाँ पर सब घुमा के कुल मिला के मध्यम परिवार की ही ऊपर आता है, क्योंकि वो मध्यम परिवार आवाज उठाने में नाकाम रहता है, क्योंकि उनका जो विकास का तरीका है वो थोड़ा अलग है इन लोगों से, क्योंकि जो महंगे महंगी गाड़ी में चलते हैं, हाई लाइट होकर चलते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, महंगाई बढ़ती भी चली जाएगी, सारा जो भी है किरदार जो है वो मध्यम परिवार के ही ऊपर आता है। बिल्कुल, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जहां एक तरफ जनता पर महंगाई की मार पड़ती जा रही है, तो वहीं ये भी कहा जा सकता है कि अगर महंगाई की मार पड़ती है तो वो सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार पर ही पड़ती है, उन पर ही सबसे ज्यादा महंगाई का असर देखने को पड़ता है, क्योंकि लगातार मध्यम वर्गीय परिवार जो है उनका ये कहना है कि हमारी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है तो आखिर हम अपना खर्चा कहां से चलाएं। वही अगर बात पेट्रोल और डीजल की भी करी जाए तो पेट्रोलियम विभाग से लेकर सरकार लगातार ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ रही है कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जबकि जो भी सरकार है वो इस मसले पर कोई भी हल नहीं निकाल रही है, जबकि आए दिन लगातार अगर बात की जाए तो 9 दिन में 8वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लगातार जनता पर महंगाई की मार पड़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस मामले से भागती हुई नजर आ रही है, इस मसले पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। वही अगर पेट्रोलियम विभाग की बात की जाए या अगर जो
पेट्रोल पंप पे मौजूद जो भी कर्मचारी है उनसे बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हुए हैं, हमको खुद घाटे में जाना पड़ रहा है। तो आखिर जब सरकार ने, जब भाजपा सरकार आने से पहले जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि वो महंगाई पर लगाम लगाएंगे, पेट्रोल डीजल के कीमतों में लगाम लगाएंगे, तो आखिर अब उनके वादे कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं? जनता लगातार ये सवाल अब सरकार से कर रही है कि वो जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण करें, वरना लोग साइकिल से चलने को मजबूर हो जाएंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बस्ती से हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो लोगों में क्या कुछ आक्रोश वहां के देखने को मिल रहा है? लोग कितने नाखुश हैं इस सरकार से? महंगाई की बात करें तो जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल लगातार पिछले एक हफ्ते से बढ़त के रूप में रेट बढ़ रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इसका खासा असर जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन पर पड़ रहा है, जो किसान वर्ग के लोग हैं उन पर पड़ रहा है, जो गरीब है उन पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। सरकार तो पहले तो बड़े बड़े दावे की कि महंगाई को हम डैमेज कंट्रोल करेंगे, वही अगर हम बात करें तो अब देखे मौजूदा समय में महंगाई का आलम यह है कि लोगों की कमर टूट चुकी है बिल्कुल। जहां पेट्रोल डीजल एक तरीके से लोगों के जेबों को जला रहा है, वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो किचन के सामान है जो लगातार बढ़ रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं वो भी जो है लोगों का जो घरेलू एक सिस्टम है वो भी माहौल एक बिगाड़ के रख दे रहा है महंगाई। अगर हम बात करें महंगाई को लेकर तो भोजपुरी में एक गाना है कि सखी सैया खूब ही कमाता है, महंगाई डाइन खाए जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है आज के इस मौजूदा हालत में ये वह गाना सही साबित हो रहा है। रजनीश, अगर बात की जाए तो लोग एक तरफ कह रहे हैं कि कोरोना ने पहले से ही उनकी कमर तोड़ दी है, अब अगर ऐसे महंगाई बढ़ेगी तो आखिर वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके जो कमाई है उसमें कहीं से भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। देखिए, कमाई की जो बढ़ोतरी की बात है, मेन चीज सबसे बड़ी समस्या क्या है मौजूदा सरकार में, रोजगार की अगर हम बात करें तो रोजगार भी अभी लोगों को जो मिलना चाहिए, जिस स्तर तक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी का दौर बना हुआ है। तो अगर बात करें महंगाई की, तो अगर लोगों की आय नहीं होगी, आय बढ़त के रूप में नहीं होगी, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए महंगाई जो है, महंगाई का आलम ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे किचन के सामान हो, अन्य तेल खाद्य पदार्थ सामग्री हो, सारी चीजों पर महंगाई जिस तरीके से लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सरकार इसमें नाकाम पूरी तरीके से साबित हो रही है। और आय की बात करें तो अगर आय, जाहिर सी बात, अगर आय हमारी नहीं होगी तो हम मध्यम वर्गीय लोग या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, किसान गरीब, इनके लिए लगातार ये समस्या बनी रहेगी। रजनीश, अगर बात भाजपा सरकार की जाए तो सरकार ने आने से पहले अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे और इन वादों में गरीबों को तो लाभ मिलता नजर आ रहा है, लेकिन इस महंगाई में सबसे ज्यादा पिसता हुआ जो नजर आ रहा है वो मध्यम वर्ग है। देखिए, जाहिर सी बात है मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों के पास आय के साधन, जो आय के स्रोत हैं, वो पूरी तरीके से मजबूत नहीं है। सरकार तो दावे, चुनाव के पहले बहुत दावे की महंगाई पर हम कंट्रोल करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो दावा आज की डेट में मौजूदा समय में देखा जाए तो कहीं कहीं नाकाफी साबित हो रहा है। तो जिसको लेकर जो है मध्यम वर्गीय परिवार हो या चाहे गरीब परिवार हो या किसान हो, ये बेहद ही बिल्कुल मायूस नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर मायूस दिख रहे हैं। जी, धन्यवाद रजनीश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के कीमतों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, जिस तरह से उछाल आ रहे हैं, उसी तरह से लोगों के माथे पर भी अब चिंता की लकीरें खिंचती हुई नजर आ रही है कि अगर इसी तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में अगर बढ़ोतरी हुई तो वो किस तरह से, आखिर किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? और लगातार 9वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।